नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं हरे मटर की निमोना की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। ये साबुत जीरा लेके है थोड़ा सा, और दो आलू छील करके और इस तरीके से स्लाइसेस कट कर लिए हैं इसके। तीन टमाटर, एक प्याज और हरी मटर छील करके धो लिया है। तीजा लहसुन की कलियां, अदरक और दो हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपको तीखा खाना है उसके हिसाब से। नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला, धनिया पाउडर और ये हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत ही कम लगता है, इसमें थोड़ा सा ही डालना है, तो हमने इतना लिया, आधा चम्मच से कम लिया है। और ये हरी धनिया, हरी धनिया मेन है, इसको जरूर लीजिए आप। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये सरसों का तेल है, हम सरसों के तेल से बना रहे हैं। आप भी जब भी हरे मटर का निमोना बनाए तो सरसों के तेल से ही बनाइए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू फ्राई करना है हमको, आलू को अच्छे से भून लेना है। जब तक इसको लाल नहीं हो जाए, जब तक इसको भूनना है, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए आलू किस तरीके से हो गई है, लाल हो गई है बिल्कुल। इसी तरीके से आलू को पकाना है अच्छे से। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए किस तरीके से आलू पकी है, बिल्कुल इसी तरीके से पकाइएगा। आप जब भी निमोना बनाए हरे मटर को, तो इसी तरीके से आलू को पकाइएगा, तभी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए जो हमने मटर लिया था उसको हमने पीस लिया है, और इसी तरीके से पीसना है इसको। इतना ही, ज्यादा पतला नहीं पीसना है, पूरा महीन नहीं करना है। थोड़े थोड़े से खड़े हैं और थोड़े से पीस गए हैं, ये देखिए। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे कढ़ाई रख दी है और गैस ऑन कर दिया है तेज फ्लेम में। तो ये देखिए हम जो ये मटर पीस करके रखे थे इसको डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। मटर को पीसते टाइम पे पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं डाला था, बिना पानी के ही पीसना है इसको। पानी डाल देंगे तो गीला हो जाएगा, भुरभुरा नहीं होगा। और इसको हमको तब तक भूनना है जब तक पूरा अच्छे से भुरभुरा नहीं हो जाए। गैस को भी तेज ही रखती हूँ, धीमे नहीं करी हूँ। अब गैस को मध्य कर देंगे, क्योंकि मध्य गैस पे इसको भूनेंगे अच्छे से, तभी अच्छा टेस्ट आएगा इसका और अच्छे से पक पाएगा अंदर तक। ये देखिए मटर एकदम अच्छे तरीके से भून चुकी है। हम गैस को बंद कर देंगे, थोड़ा तेज और थोड़ा सा मध्यम गैस पे इस तरीके से सेका है हमने इसको। और ये देखिए कितनी पूरी भुरभुरी हो गई है अच्छे से। अब हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट में। हमने गैस पे पैन रख दिया है, सेम पैन ले रहे हैं, दूसरा नहीं ले रही हूँ, उसी में कर रही हूँ। और ये तेल डाल देंगे, सरसों का तेल जो बचा हुआ था उसमें ये डाल देंगे पूरा इसी में। ये देखिए हीट आने लगी है, तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें डाल देंगे जीरा, अब डाल देंगे प्याज, प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इतना ही प्याज को पकाना है। अब इसमें डाल देंगे ये खड़ी मटर, मटर चटक रही है तो थोड़ा सा इसको ढक देंगे और गैस को मध्य कर दी हूँ, खोल करके चला लेंगे एक बार। देखिए मटर की पक चुकी है, इतना ही पकाना है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और इसे तरीके से मिला लेंगे। अब डाल देंगे धनिया पाउडर, इसे भी मिला लेंगे। डाल देंगे टमाटर, ये टमाटर हमने इस तरीके से कट कर दिया है, जो हमने तीन टमाटर लिया था इसको डाल देंगे इसी में। देसी टमाटर है, खट्टे रहते हैं। नमक डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार, इस तरीके से चला लेंगे और ढक देंगे। खोल करके चेक करेंगे, ये देखिए इसके पहले हमने इस पर दो बार और खोल खोल करके चलाया था। टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब बारी है इसकी, तो ये हरी धनिया, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का हमने पेस्ट बना लिया है, इसको डाल देंगे इसी में। हरी मटर के निमोना में ये ग्रीन चटनी बहुत अच्छी लगती है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम इस टाइप पे इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसकी खुशबू नहीं हट जाए, तो हरी धनिया अच्छे से पका लेंगे ना तो उसकी खुशबू हट जाती है, तो फिर उसका टेस्ट नहीं आता है अच्छा। अब इसमें डाल देंगे आलू जो हमने तल करके रखा है, तो डाल देंगे इसी में।
और मसाले में अच्छे से इसे कोट होने देंगे। और अब डाल देंगे यहीं पे मटर जो हमने तल करके रखा था भून करके, ये देखिए पीस करके वो वाला मटर डाल देंगे और इसे भी चला देंगे इस तरीके से। अब हम इसे थोड़ा सा ढक देंगे, खोलेंगे और इसे एक बार चला देंगे इस तरीके से। अब हम डाल देंगे यहीं पे गरम मसाला और चला देंगे इसे इस तरीके से, गैस को तेज कर लेंगे। थोड़ा सा इसे मिला लीजिए और डाल देंगे पानी। तो पानी हम मिक्सी के जार में जो हमने मसाला पीसा था इसमें हरी चटनी वगैरह लगी थी तो उसी में पानी डाल करके हमने इसको डाल दिया है इसमें, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाए। पानी इसमें थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि इसको पतला ही बनता है, ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनता है। इसे मिला लें इस तरीके से और ढक दें। इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, हम खोल करके चेक करेंगे। इससे पहले मैं 2 बार खोल करके इसको और चलाया था। ये देखिए हमारे हरे मटर का निमोला बन करके तैयार हो गया है। इतना ही इसको पतला रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो हम गैस को कर देते हैं बंद, चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी बहुत ही टेस्टी निमोना की सब्जी बन करके तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।